हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने कीज की बात की थी। कीज आप समझ सकते हैं, कीज और वैल्यू का जो दोनों ही चीजें जो यूज होती हैं वो यूज होती हैं डिक्शनरी में। तो यहाँ पर पाइथन को मैं ओपन करने वाला हूँ और पाइथन को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक डिक्शनरी का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो डिक्शनरी सपोज कीजिए हम बना ले रहे हैं बुक्स के नाम से, तो ये बुक्स के नाम से एक डिक्शनरी बना रहा हूँ और यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा क्योंकि इसी के अंदर हमें चीजें लिखनी है। तो यहाँ पर बुक का नेम आएगा, तो यहाँ नेम एक बना दिया हमने, ठीक है ना। एक की होगी, दूसरा इसका वैल्यू होगा, तो ये नेम लिख लिया। और नेम लिखने के बाद क्या करना है हमें, जैसे ही नेम लिखेंगे तो नेम लिखने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें टाइप करनी होगी, तो इसकी वैल्यू दे देते हैं पाइथन। तो बुक हो गई पाइथन की, ठीक है ना। तो बुक हो गई पाइथन की और पाइथन की बुक देने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा और फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दे देना है डेवलपर। कौन, किसने डेवलप किया था, डेवलप्ड ये लिख दिया डेवलप्ड और यहाँ पर लिख दिया बाय डेवलप्ड बाय। तो पाइथन किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो यहाँ पर वो चीज आएगी। तो यहाँ पर इसकी की और इसकी वैल्यू दो चीजें आती हैं, जैसा कि आपको जानकारी है ही इसके बारे में, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डेवलप्ड बाय। अब किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो यहाँ पर दे देता हूँ गाइडो वॉन रॉसम, ROSSUM। तो ये हो गया गाइडो वॉन रॉसम, तो ये डाल दिया हमने। अब यहाँ पर फिर वापिस से कॉमा लगाएंगे, कब डेवलप किया था, तो ईयर, तो वो ईयर यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे ईयर देने के बाद कॉलन लगाइए और कॉलन लगाने के बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पर वो ईयर दे देना है। तो यहाँ पे 1991 में ये डेवलप किया गया था, तो ये बस हो गया, अब इसको बंद कर देना है। तो ये आपका जो की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से एक डिक्शनरी बनी हुई है। और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं ए नाम से, और ए इज इक्वल टू बुक्स बनाया हमने, बुक्स यही बनाया ना, तो बुक्स, ठीक है। और डॉट वैल्यू क्या करेंगे, डॉट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज दे दिया आपने, ठीक है ना। तो अब ये क्या करना है, अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिए, क्लोज करिए और यहाँ पे ए को प्रिंट करवा दीजिए, क्योंकि सारी चीजें ए में जाके स्टोर हो रही हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर दिया है, तो ये ए हो गया। और ए को क्लोज करने के बाद F5 करिए, एंटर करिए और यहाँ पे इसको सेव करने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सेव हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पहले की देखिए दो बार रन हो गया ये, तो देखिए यहाँ पर ये नेम जो है ना की है, तो की को इसने हटा दिया और क्या प्रिंट करके दिया, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, आउटपुट हमारे सामने है। तो देखिए नेम हटा दिया इसमें से और इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे डेवलप भाई ये की है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, गाइडो वॉन रॉसम। तो यहाँ पे गाइडो वॉन रॉसम प्रिंट हुआ है और की हट गई है, वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ईयर है, तो ईयर क्या है, ईयर की है और इसकी वैल्यू क्या है, 1991, तो यहाँ पे 1991 ये प्रिंट करके दे रहा है। तो की और वैल्यू बस ये है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर इसके जगह आप कीज कर देंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप हटा देते हैं इसको और यहाँ पे कीज कर देते हैं KEYS, तो कीज करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। तो अभी नेम आएगा, डेवलप बाई आएगा और ईयर आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे देखिए वही चीजें आ रही हैं, देख रहे हैं। तो की और वैल्यू जो है प्रीडिफाइंड मेथड होता है, ठीक है, जो कुछ इसी तरीके से रिटर्न करता है, ठीक है ना। ओके।